गृह विभाग के जो मुख्य हैं मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, वो हमेशा एक आह्वान देते हैं स्वच्छता और ईमानदारी का, और उन्हीं के आह्वान को उनके जो गृह विभाग के बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उसका खातिर नहीं कर रहे हैं, वो अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। मेरा पहला पॉइंट है, दीप्तेश पटनायक जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके जो इलीगल वर्क हैं उसका एक अभियोग आ रहा है। ऐसा कहना है और ऐसा देखने में भी आया है कि वो हर महीने दो बार फॉरेन टूर पे जाते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा है, उनके जो सोशल मीडिया में पोस्ट है आप लोग देखोगे, कभी वो लंदन, कभी स्पेन, कभी इजिप्ट जा रहे हैं। यहाँ प्रश्न यह उठ रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होके एक जो सरकारी अधिकारी हैं उनको ये हर महीने दो बार विदेश जाने की छुट्टी मंजूरी कौन दे रहा है? ये आप लोग भी जानते हो और ये हम भी जानते हैं कि जो बड़े पद पे रहते हैं उनको साल में दो चार बार छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इनको ऐसा क्या स्पेशल दिया जा रहा है कि हर महीने ये विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, और इस यात्रा के दौरान जो पैसे खर्चे हो रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो जनता का सेवक है और ये जनता के टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी मिलती है, तो उनको छुट्टी मंजूरी कौन दे रहा है? उसके पीछे किसका हाथ है? कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? मेरा दूसरा पॉइंट है, उनका जो सरकारी क्वार्टर है उस सरकारी क्वार्टर के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, और करोड़ों रुपया खर्च करके उसे राजमहल का रूप दिया गया है, उसे महल की तरह बनाया गया है। आप लोग सभी जानते हैं क्वार्टर के ऊपर इतना पैसा खर्चा नहीं हो सकता है, अगर इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो इतना पैसा खर्चा करने का परमिशन उनको कौन दिया है? और अगर सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है तो कौन जो बड़े लोग हैं, जो ऑफिसर हैं, जो उनके पीछे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं? और ये बात जानने के लिए छात्र कांग्रेस प्रश्न पूछता है, और इस प्रश्न का जवाब गृह विभाग और खुद आईपीएस दीप्तेश पटनायक इसका जवाब तुरंत रखे। मेरा थर्ड पॉइंट है, जब दीप्तेश पटनायक राउरकेला में एसपी थे तो उनके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, और यह जांच खुद नायडू कमीशन कर रहा था, साथ ही साथ राज्य के जो वकील संघ है इसका कड़ी निंदा किए थे और विरोध भी किए थे। जांच कमेटी बैठाने के बावजूद भी उनकी प्रमोशन हुई थी, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जांच कमेटी चल रही थी और उनका प्रमोशन हो गया, वह प्रमोशन कैसे हुआ? कौन लोग हैं सरकार में जो वह उनके प्रमोशन के पीछे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपने मन मुताबिक कार्य करें, जो चाहे जिस पोस्ट पर रहना चाहे वो बन सकते हैं? मेरा चौथा पॉइंट है, सरकारी नियमों के अनुसार दीप्तेश पटनायक की जो भी सरकारी संपत्ति है उनको सरकार को पेश करना चाहिए सरकार के सामने। आज तक उन्होंने अपने संपत्ति का जितने भी डिटेल्स हैं उन्होंने नहीं दिया है, और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है और माना जा रहा है, देखने में भी आया है कि उनका बड़े बड़े सोना बिजनेस में उनका हाथ है, बड़े बड़े सोना बिजनेस मैन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। कौन लोग हैं जो एक सोशल सर्वेंट जो है उनको गवर्नमेंट में जॉब करते के साथ साथ वो प्राइवेट में जो जॉब होता है, प्राइवेट बिजनेसमैन लोग के साथ उनका उठना बैठना है? कौन उनको सपोर्ट कर रहा है?